नंद कुमार सिंह जी, राजा गुप्ता जी, चित्रंजन सिंह उर्फ गुना जी, बसंत चौधरी उर्फ बीसी पटेल जी, विजय पटेल जी, शेख बनासी कुशवाहा जी, अरुण कुशवाहा जी, हजारी कुशवाहा जी, संतोष चंद्रवंशी जी, अक्षय चंद्रवंशी जी, तुषार चंद्रवंशी जी, गुप्तेश्वर सिंह जी, मंतू सिंह जी, योगेंद्र कुशवाहा जी, अमित वर्मा जी, रामबल्ली सिंह जी, अमय सिंह जी, विनोद तिवारी जी, रामचंद्र जी, प्रवीण यादव जी, अरविंद कुशवाहा जी, विमल कुशवाहा जी, विनोद सिंह जी, अमर प्रसाद जी, सरोज कुमार जी, अरविंद कुमार जी, निखिल सिंह जी, हाकिम सिंह जी, भगवान सिंह जी, हृदयानंद सिंह जी, मंगल सिंह जी, संजू कुशवाहा जी, गुड्डू उपाध्याय जी, परशुराम यादव जी, संजय पासवान जी, विद्याचल पासवान जी, सोनू कुशवाहा जी, पंकज कुमार जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, सुनील कुमार जी, उमेश सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय हरिनारायण सिंह जी, राम प्रवेश सिंह जी, शंभू सिंह जी, माफी मिला जिनका नाम छूट गया हो, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, यहाँ तो हम आए हैं शहीद निशान सिंह जी के चरणों में सर झुकाने के लिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही कुछ इसी तरह का है। पार्टी गठन के बाद हमने तय किया कि पूरे बिहार में हम जाएंगे, अधिकांश जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ बिहार की मिट्टी में ऐसे लाल हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अपने को न्योछावर कर दिया, बहुत कुछ योगदान दिया, वैसे लोगों के जन्म स्थल पर, पैतृक गांव पर हम जाएंगे और उस मिट्टी को सलाम करेंगे और उनके चरणों में हम सर झुकाएंगे। और इसलिए इस यात्रा का नाम नमन यात्रा भी है, हम नमन करने निकले हैं। तो हम सबसे पहले शहीद निशान सिंह जी के चरणों में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाइयों और मित्रों, जब हम जनता दल यूनाइटेड में थे ही और कोशिश हमारी जारी थी कि नीतीश जी को हम समझाएं, सब बात मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच आ रही थी, हम लगातार कह रहे थे नीतीश जी समझिए हमारी बातों को, नहीं समझिएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड रोज कमजोर हो रहा है। लेकिन हमारी बातों पर नहीं ध्यान दिया उन्होंने। हम तब भी कहते थे कि जनता दल यूनाइटेड में, हाँ एक दिन नीतीश जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप सबकी बात करते हैं, कौन इस तरह से सोचता है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। हमने कहा कि एक दो लोग पार्टी में अपवाद हो सकते हैं, सभी लोग वही सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं। तो कहा कि नहीं, आपकी सोच सही नहीं है। भाइयों और मित्रों, हमने बहुत प्रयास किया, नीतीश जी नहीं माने तो हम तो फिर अलग रास्ता बना लिए हैं, आपके बीच है। लेकिन अब शायद नीतीश जी रात में सोते होंगे तो सोचते होंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी, जिन जिन बातों को कहकर उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी, ठीक वही बात पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मीना देवी जी ने पार्टी छोड़ते हुए कही है। जो जो बात हमने कहा ठीक वही बात, रोज लोग पार्टी से नाराज हो रहे, हम जहां जा रहे हैं जिस जिला में, पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खाली होते जा रहा है, जिला इकाई पूरे तौर पे कुछ लोगों को छोड़कर हर जगह समाप्त होते जा रहे हैं। आज एक तरह से कहिए कि जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ साइन बोर्ड रह गया है, माल बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं रह गया।
अच्छा कौन रहेगा उस पार्टी में, कौन रहेगा उस पार्टी में? उस पार्टी में तो वही लोग थे ना जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को फिर से नहीं देखना चाहते थे बिहार में, जिन लोगों ने मेहनत करके कुर्बानी देकर के संघर्ष करके राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को बुझाने का काम किया था, वही लोग न थे जनता दल यूनाइटेड में। और उनको नीतीश जी कह रहे हैं कि अब फिर से लालटेन में तेल डालिए। अब लालटेन में तेल डालने के लिए कौन जनता दल यूनाइटेड का साथी रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो हमने कहा नीतीश जी से कि आपको तेल डालना है तो डालते रहिए, हम लोग तो जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए समझाने का प्रयास किया, आप नहीं समझे, आप तेल डाल रहे हैं लालटेन में, डालते रहिए। उपेंद्र कुशवाहा लालटेन में तेल नहीं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा का जितना बस चलेगा तो लालटेन को चूर चूर करने में अपने काम आएगा। और ऐसे ही नहीं, चूर चूर करने के लिए हम ताकत मांगने आए, कितने लोगों को बर्बाद किया है, कितना परिवार उजारा है इन लालटेन वालों में, 15 साल के राज में क्या हो गया, पूरा बर्बाद। चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, दलित महादलित, किसी भी समाज के लोग हो, सामान्य जाति के लोग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा कोई भी, सबको किस तरह से उस समय जो 15 साल का राज चल रहा था, नरसंहार, कितना परिवार रोज उजर रहा था, रोज अपहरण, फिरौती, पैसा नहीं तो बच्चों की हत्या, क्या क्या नहीं हो रहा था, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। वैसी पार्टी को फिर से बिहार में लाने की बात कर रहे हैं। हम तो गए थे नीतीश जी के साथ सब कुछ अपना कुर्बान करके, लेकिन क्या मालूम था कि जिस नीतीश कुमार जी को हम ताकत देने के लिए अपना सारा कुर्बान करके आए हैं, कभी नीतीश कुमार जी खुद ही उसी पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। पूरे तौर पे नीतीश जी ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सामने घुटना टेक दिया है। हम तो कहते थे कभी कि इनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम वाकई चाहते थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? वह बनेगा जो सीना तान कर खड़ा रहेगा, जो घुटना टेक देगा, वह प्रधानमंत्री क्या गांव का मुखिया भी नहीं बन सकता। तो सीना तानने वाला नेता चाहिए, घुटना टेकने वाला नहीं चाहिए। नीतीश जी भी कभी सीना तानते थे, हमने देखा है उस नीतीश कुमार को भी, जब नीतीश जी गरज कर भाषण करते थे उन दिनों समता पार्टी के दौरान, हम लोग भी उनके साथ होते थे उन दिनों के नीतीश कुमार जी और आज के नीतीश कुमार जी, देखकर उपेंद्र कुशवाहा को गुस्सा नहीं आता है आज नीतीश जी के ऊपर। नीतीश जी के किसी रवैया के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के मन में गुस्सा नहीं आता है, दया का भाव आता है, तरस आती है, क्या बना लिया नीतीश जी आपने अपने आप को, क्या थे, कहां चले गए, हम तो आपके साथ आए थे, नीतीश कुमार जिंदाबाद करने आए थे, आप तो लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे। अब लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ नहीं रहने वाला है, हमने उनको कह दिया है। और इसीलिए हम आपसे कहने आए। अच्छा देख लीजिए, रात का लगभग 10 बज रहा होगा, 10 से भी थोड़ा ज्यादा हो गया, हम तो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक इस यात्रा के दौरान कार्यक्रम किए हैं। मुंगेर उस दिन हम पहुंचे 12:30 बजे रात, लगातार सुबह से निकलते हैं, कभी भी 1 बजे रात के पहले सोते नहीं है, रात में भी 1:30 बजे सोए। क्या गरज पड़ा हुआ था उपेंद्र कुशवाहा को? सत्ता में लोगों को एक छोटी सी जगह मिल जाती है तो लोग आराम से वहां रहना पसंद करते हैं, संघर्ष ही सामान्य तौर पे लोग करते हैं इसलिए कि कोई छोटी जगह मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा किसी जगह के लिए नहीं राजनीति करता है, जगह मिलती रही है उपेंद्र कुशवाहा को, आप सब लोगों की कृपा है तो जगह मिलती रही है, और गिने चुने लोग बिहार में हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी है, जिस परिवार से हम आए राजनीति में, विरासत में कुछ कुछ नहीं मिला मुझको, संघर्ष से मिला है,
जिस समय हम राजनीति में आए थे सोचते थे कि सदन में कहीं एक बार मेंबर हो जाए, चारों सदन का मेंबर उपेंद्र कुशवाहा रह चुका है, चारों सदन का, तो हमको तो मिलते रहा है और अभी भी मिला हुआ था। संघर्ष हम इसलिए नहीं करते कि हमको कुछ मिल जाए, मिलने के लिए तो मिलता ही रहा है, लेकिन मिलने के बाद जो जगह मुझको मिलती है उस जगह पर रख के हम महसूस करते हैं यह जगह अगर लोगों के काम की जगह है तब हम उस पर बरकरार होते हैं। और मुझको लगता है कि यह जगह उपेंद्र कुशवाहा के लिए ठंडा घर तो है लेकिन बिहार के लोगों के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है। वैसी जगह को उपेंद्र कुशवाहा लात मार देता है, एक क्षण भी उस पर नहीं रहता है। अगर हम भी दूसरे लोगों की तरह सोचते तो आराम से रह सकते, क्या दिक्कत है। नीतीश जी रह ही रहे हैं, हम भी रहते ठंडा घर में आराम करते, रात की आधी रात तक हमको सड़क पर घूमने की जरूरत नहीं थी, आराम से रह सकते थे। लेकिन आराम से रहते तो आपके साथ न्याय नहीं होता। वहां क्या शर्त थी? शर्त तो इतनी थी कि नीतीश कुमार जी करते लालटेन छाप जिंदाबाद, तो उपेंद्र कुशवाहा को पीछे से कहना पड़ता जिंदाबाद जिंदाबाद, यह काम हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको लगा ठंडा घर बेकार है, वह जगह बेकार है जिस जगह पर रहकर लोगों के लिए कुछ न किया जा सके, लोगों के लिए करने की मंशा रहती है। और हमने अपने पूर्वजों से यही सीखा है कि राजनीति में रहना है तो लोगों के लिए काम करो, अपनी सुख सुविधा के लिए रहना है तो राजनीति में मत रहो। और इसलिए हम छोड़ कर आ गए और हम आए हैं आपसे गुजारिश करने के लिए। हमने नीतीश जी से भी कहा कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से हम पुराने दिनों में वापिस नहीं होने। भाई और मित्रों, कोई नहीं चाहेगा कि बिहार फिर से पीछे लौटे, बिहार आगे जाए सब लोग चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे जा भी रहा था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जी ने टॉप गियर में जो गाड़ी चल रही थी अचानक से बैक गियर लगा दिया। अब बैक गियर लग जाए अचानक से टॉप गियर में चलती हुई गाड़ी में तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो इस स्थिति में नीतीश जी ने खड़ा कर दिया अचानक से टॉप गियर से बैक गियर, थोड़ा न्यूट्रल भी लगाते तो हम लोग भी देखते कि क्या है, तो न्यूट्रल भी नहीं सीधे बैक। अब भाई और मित्रों, हर कोई चाहता है बिहार का एक एक आदमी 12 करोड़ 13 करोड़ लोग बिहार के चाहते हैं कि बिहार टॉप गियर में आगे बढ़े, बिहार पीछे जाए यह कोई नहीं चाहता। और इसलिए हम आपसे कहने आए, अगर राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में चला गया तो फिर बिहार पीछे जाने लगेगा, तो पीछे नहीं जाने देना है, नहीं जाने देना है ना कि जाने देना है, नहीं जाने देना है तो आगे बढ़ाना है। तो हम आपको आपसे जहाँ ताकत मांगने आए हैं वही आपको आश्वस्त भी करते हैं कि बिहार आपकी ताकत अगर मुझको मिली तो बिहार को न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में जाने से बचाएंगे बल्कि आगे आने वाले दिनों में बचाने के साथ साथ बिहार को बनाने का भी काम करेंगे, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। और बिहार जो आगे चलकर बनेगा उसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का सम्मान होगा, किसी जात के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, सबका सम्मान, जितना सम्मान के अधिकारी जो है सबका सम्मान होगा। दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, अक्लियत समाज के लोग, सामान्य जाति के भी जो लोग, जिनका जो उचित सम्मान, जिनकी जो जितनी हिस्सेदारी उस रूप में सबका सम्मान, सबके लिए रोटी और सबके लिए इज्जत, ऐसा बिहार बनेगा, सबके लिए होगा। तो आइए आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, यही आग्रह करने के लिए हम आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ, अब इतनी रात हो गई, हम तो दिन भर बोलते बोलते गला फंस रहा है लेकिन आप लोग हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, लगता है और सुनना चाहते हैं, लेकिन अब चलिए फिर कभी हम तो सासाराम आते रहते हैं, फिर सुबह से और भोजपुर की यात्रा है और हमारे कार्यक्रम का अंत कल होगा, परसों होगा, जगदेव बाबू के गांव कुर्था में जाकर हम कार्यक्रम का अंत करेंगे उनका नमन करके। सासाराम तो आते रहते हैं, फिर बात होगी। आप सब लोग इतनी रात में भी
इतनी संख्या में उपस्थित हुए, हमारे साथियों ने इंतजाम किया, इस बात के लिए मैं सभी लोगों का आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार शहीद के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो, सोने का मुकुट देकर, सॉरी चांदी का मुकुट देकर सम्मानित करेंगे। तो अमर सिंह जी दे रहे हैं, अमर जी पैक्स अध्यक्ष, आप जूना जी हटिए ना, आप किनारा हो जाइए ना, आप करने दीजिए। कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। कृपया फोटो खिंचाने के बाद हमारा नेता कैसा हो, बिहार के सुविधा हो, हमारा नेता कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा कैसा हो, अंतिम कार्यक्रम में घबराना नहीं है, तो मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ नाम है जो शंकर जी पढ़कर उनको कहेंगे। विरासत बचाओ नमन यात्रा के कार्यक्रम के तहत सासाराम के धरती पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आपके साथ है, रेखा गुप्ता जी हमारे प्रदेश के हैं, रमेश सिंह कुशवाहा सिवान के हैं, वो साथे साथे चल रहे हैं, राम कुमार कुशवाहा है चंपारण के, वो भी साथे साथे चल रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला के बहुत से हमारे जो साथी हैं समर्पित हैं, रात दिन लगे हैं। हमारे आर के सिन्हा जी हैं, झूना सिंह जी है, राम कुमार जी है, जंग बहादुर सिंह है, अमर प्रसाद कुशवाहा है, अररुआ के पैक्स अध्यक्ष है जो अभी माननीय अध्यक्ष जी को मुकुट भेंट किए, नथुनी सिंह जी है, सरोज सिंह जी है, शंभू सिंह जी है, लखन जी है, लखन सिंह जी है जो बड्डी के हैं, निशान सिंह के परिवार से संबंधित है, अखिलेश जी है, रुपेश कुमार है जो रात दिन लग करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, प्रशांत कुशवाहा है, राहुल कुशवाहा है, डब्लू सिंह है, मंटू सिंह है, वीरेंद्र कुंवर सिंह है, ये सारे लोग हैं, बहुत सा नाम है, सब लोगों को नाम रखने में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, नाम भी काफी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं, ये भीड़ बता रही है 5 घंटा विलंब से सभा चल रहा है, और
मेरे साथ पटना से चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक का दौरा करके लोग आए हैं और सब लोगों का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। इस जिला के महत्वपूर्ण साथी और नेता कपिल, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।